मुश्किल दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने आखिरकार अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस बधाई को पड़ोसी से रिश्ते सुधारने के एक कदम आगे बढ़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद जिस शहबाज शरीफ ने कश्मीर को लेकर जहर उगला, उसी शरीफ को पीएम मोदी ने बधाई देकर रिश्तों में नरमी लाने के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान में एक नया मुस्तकबिल नियुक्त हो गया है, जबकि भारत में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार की कोशिश भारत की तरफ से की गई एक बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि शहबाज शरीफ के बड़े भाई और पार्टी के सर्वे सर्वा नवाज शरीफ चुनाव के वक्त ही ये ऐलान कर चुके थे कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में पहला कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। नवाज शरीफ की पार्टी सत्ता में तो आ गई और उनके भाई पाकिस्तान के नए निजाम बने, लेकिन भारत के खिलाफ उनकी नफरत दुनिया ने देख ली है। हालांकि जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान भारत के साथ तल्ख रिश्ता रख खुद का नुकसान कर रहा है। वैसे भी पाकिस्तान अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, अब अगर भारत से रिश्तों में सुधार की कोशिश नहीं की गई तो हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि भारत के साथ रिश्तों में नरमी लाई जाए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से ज्यादा तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर तरह के व्यापार पर रोक लगा रखी है। उसने शर्त रखी है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल किया जाए, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है कि वह कानून अब इतिहास बन चुका है। भारत के सख्त रुख के बाद शहबाज शरीफ अपने पिछले कार्यकाल में भी सऊदी अरब से लेकर यूएई तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने वाले जानकारों का कहना है कि अभी तत्काल में भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कोई खास बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नियुक्त कराया है और जितना आर्मी चीफ कहते हैं उतना ही शहबाज शरीफ करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख भारत पर दबाव बना रहे हैं ताकि वार्ता की मेज पर मोल तोल में आसानी रहे।